दोस्तों स्वागत करते हैं नकली कल गुरुजी के एक और प्रेस कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर मेरी सांस बहन की लंडी बिल्कुल नहीं आ रही है और मोबाइल बंद करो बंद करो। दोस्तों जिस प्रकार से कबीर बाबा कहते हैं अवलो नसानी अवला नसे हो, कहने का मतलब ठीक उल्टे शब्दों में ये है कि अभी तक जो आप अपनी सही सलामत जिंदगी जीते आए हैं हम और ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा वो आपकी जिंदगी का सबसे सत्यानाशी प्रोडक्ट साबित होगा। वैसे तो इसी कैटेगरी के अन्य मादक पदार्थ मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मोटी MRP और CST GST झांक झुरली जोड़ने के बाद काफी महंगे बेचे जाते हैं और पैसे की तंगी आपको पनवाड़ी के रास्ते भुला देती है। सिगरेट की महंगाई आपको दिल्ली NCR के कारखानों में लेबर बना देती है। ऐसे में आपका मन करता होगा अपने ही पड़ोसी सुट्टेबाज लौंडो के साथ तू तू मे मे करने का, या फिर मोहल्ले का शक्ति कपूर बनने के बाद अपने ही बाप से भीगे जूते खाने का। आपकी सारी गंभीर समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ प्रोडक्ट जो आपकी जिंदगी बर्बाद करने में चार चांद लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहलवान छाप बीड़ी के बंडल की। दोस्तों महंगे महंगे सिगरेट ब्रांडों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देने के बाद मार्केट में ब्लॉकबस्टर और चिंदी बुड्ढों में अपनी छवि बरकरार रखने वाला पहलवान छाप बीड़ी बंडल। आइए जानते हैं कहां से करते हैं अनबॉक्सिंग और कैसे करते हैं इसका प्रॉपर सेवन, क्या है इसकी कीमत और क्या ये अपनी कीमत को करता है जस्टिफाई। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं नकली कल गुरुजी। चलिए आपका टाइम खराब करते हैं। दोस्तों इसके सेब की बात की जाए तो अंधेरे में टटोलने पर कुल्फी के आप बंडल की पैकिंग के लिए बहुत ही मध्य देसी कागज का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये कागज कोई आम कागज नहीं है, इस कागज की इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि इन केस आप बीड़ी पीते वक्त जल जाते हैं या फिर अपनी किसी खुराफाती हरकत की वजह से चोट चपेट मार लेते हैं तो आपको फाड़ना है बंडल से थोड़ा कागज और चिपका लेना है इंजुरी के ऊपर, आपकी ब्लीडिंग एट ए टाइम बंद हो जाएगी। कागज की इस कारस्थानी को देखने के बाद मेरा विदेशी फार्मेसी कंपनियों से अनुरोध है कि आप गोली और बैंडेज की जगह बंडल खरीद लें। हमारा देश सेल्फ डिपेंड होने के साथ साथ GDP में भी थोड़ी ग्रोथ करेगा। पूरे कागज के ऊपर सुंदर टेक्सचर और हिंदी अंग्रेजी के टट्टी मिश्रण के साथ आपको देखने मिलेंगे मोहनलाल चाचा। कंपनी इनकी बपौती होने के साथ इनकी जिंदगी का एक मकसद है शुद्ध शाकाहारी कच्ची उम्र के लौंडों के जीवन को तमाम बीमारियों से भरने के बाद बीड़ी के धुएं में उड़वा देने का। उसके बाद आपको देखने मिलेगा एक 3D होलोग्राम जिसकी मौजूदगी आपको प्रोडक्ट के असली होने का दावा करती है, लेकिन कच्ची उम्र के लौंडे दुकान से खरीदने के बाद बीड़ी पीने की खुशी में इसे देखना भूल जाते हैं। असली नहीं तो नकली सही आपकी हस्ती खेलती जिंदगी दोनों ही बर्बाद कर देंगे। फिर एक बड़ी सी फोटो में आपको देखने मिलेगा मशहूर कंजर माधवचोध मुकेश रानी का सुंदर फोटो जो कभी इस प्रोडक्ट का बादशाह ग्राहक हुआ करता था। उसके ठीक नीचे लिखा गया है तंबाकू कॉजेस पेनफुल डेथ, जिसे देखकर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे मिलके हमको पागल बना रहे माधवचोध के बच्चे। दोस्तों ये पर्टिकुलर चीज अंग्रेजी में इसलिए लिखी गई है क्योंकि बीड़ी पीने वाले को कुतिया की झाट अंग्रेजी नहीं आती। ठीक नीचे कंपनी का नंबर दिया गया है जिससे आपके कुकर्मों से खुश आपके घर वाले इसी नंबर पे फोन करके कंपनी की मां बहन कर सके। दोस्तों ये थी बंडल के ऊपर की बातें, अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और करेंगे बीड़ी टेस्ट और करेंगे अपनी एक कुकर्मी जिंदगी की शुरुआत। तो धीरे से इस बंडल को फाड़िए, आप देख सकते हैं खाकी बीड़ी से लबालब भरा बंडल उतना ही सुंदर लग रहा है जितना कि आपकी नजदीकी पुलिस थाने में बैठे सिपाही। ज्यादा देर ना करते हुए इस बंडल को शिद्दत से मलने के बाद प्यार से एक बीड़ी निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके पड़ोस में कोई चाचा बैठे हैं उनके लिए भी एक बीड़ी निकालना कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर बिना बात जूता पड़ना। दोस्तों अब आपको पहलवान छाप माचिस से बीड़ी को जला लेना है क्योंकि लाइटर की तो भोसड़ी की तुम्हारी औकात होगी नहीं। दोस्तों बीड़ी चिमनी की तरह धुआं फेंकने लगी है, मतलब आपके फेफड़े फूकने के लिए तैयार है। अब आपको बीड़ी को मुंह से लगाना है और फेफड़े की तरफ धुएं को खींचकर ले जाना है कुछ ऐसे। लो भैया, अरे पहले वीडियो शूट कर ले यार। अरे माता वीडियो बता। दोस्तों बैक टू बैक बीड़ी फूंकने के बाद भी आपको अगर नशे की अनुभूति नहीं होती है तो मैं आपको बताऊंगा एक प्रो टिप। आपको इसी बीड़ी को खोल लेना और इसमें भरी तंबाकू को निकाल कर इसमें गांजा भर लेना है। गांजे से भरी बीड़ी पीने के बाद आप पहले तो अपने बेकसूर पड़ोसियों का जीना हराम कर देंगे, तमाम नालियों का गू गोबर खाने के बाद गली गली जूता खाकर आप इस जाहिल दुनिया से मुक्ति पाकर परम धाम को प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको एसिडिटी या गैस की समस्या है, आपके दस्त जाम है, घंटों घंटों टॉयलेट में बीत जाते हैं जिससे आपके घर वाले आपसे हस्तमैथुन जैसी गंभीर शंकाएं पाल लेते हैं और आप पर रोजाना सुबह सुबह जूता पड़ता है, इस समस्या का समाधान बड़े बड़े MBBS डॉक्टर नहीं, पैथोलॉजिकल नहीं, समस्या का समाधान है एक बीड़ी। इसका खाली पेट सेवन आपकी सारी समस्याएं जड़ से मिटा देने के बाद आपको देगा एक जानलेवा कैंसर जो कि छोटी उम्र में ही आपके सारे गिले सिकवे मिटा देने के बाद इस जुल्मी संसार की जुल्मत से आपको आजाद कर देगा।
जाएगा। दोस्तों सारी बकचोदी को साइड में करते हुए अब हम करेंगे मुद्दे की बात, जो कि है इसकी कीमत। कीमत है इसकी वही ₹7, ₹7, ₹7, ₹1 की मासी जोड़ने के बाद ₹7। ये रकम इतनी कम है कि आप कहीं से भी अफोर्ड आ सकते हैं। अगर आपको अफोर्ड करने में दिक्कत होती है, आपको अपने पड़ोसी के पड्डे को नजदीकी नकासे में बेच देना है, तो आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ₹7 में आपके मुंह पे कोई जूता भी नहीं मारेगा। नशेड़ी बनाना तो दूर की बात है, ये ₹7 आपकी सातों पुस्तकों का सर्वनाश कर देंगे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको ये ₹7 खर्च करना बेहद जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के चरम पर। तो चलते चलते आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी एक खुरापात अनेक, जिंदगी अनमोल है, लेकिन हमें इसे बीड़ी पी के इसकी मां देनी है। ₹7 में भयंकर बीमारी, गैस का इलाज, घर की बर्बादी, पुलिस पट्टर, कोर्ट कचहरी और गांव गली में माँ बाप की भयंकर बेइज्जती और केवल एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। खुद खाइए, कच्ची उम्र के लौंडो को हक से पिलाइए। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टाइम खराब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।